बस ये किसी ना किसी को तोड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो है सिद्धार्थ, रश्मि, सनायन, आसिम। टिकटॉक पे काफी वीडियोस बना के ट्रेंड हो रहे हैं काफी। मैंने किए हैं, लिपसिंग भी किए हैं उनके। इतना जबरदस्त फैन फेस्ट होने वाला है, इंडिया का सबसे बड़ा फैन फेस्ट, एपिक फैन जैम। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? पहली बात तो हमारी हम कंपनी क्योंकि बहुत थैंकफुल है कि हमें ऐसा मौका मिला इस फैन फेस्ट का, मतलब क्या कहते हैं, हिस्सा बनने का। और दूसरा थैंक्स है हमारे फैंस को जिन्होंने भरी मात्रा में हमको प्यार दिया है। हमको पता चला कि काफ़ी टिकट सेल हुई हैं और काफ़ी लोग आने वाले हमसे मिलने के लिए, हमसे हमें प्यार दिखाने के लिए। सो थैंक यू, थैंकफुल टू आवर फैंस एंड आवर कंपनी क्योंकि। और अगर अभी तक आपने नहीं लिए टिकट तो पेटीएम और इनसाइडर ऐप से ले सकते हैं। और ये तो ज़बरदस्त मौका है फैंस के लिए जो आप लोग को, मतलब आपके वीडियो से, आपकी क्रिएटिविटी से पहचानते हैं। पहली बार इस तरीके से रूबरू होंगे आप लोग के साथ, मतलब पर्सन मिलने का मौका मिलेगा। हमने वैसे भी आज तक कभी मीटअप्स नहीं किए हैं, ऐसा पर्सनल मीटअप नहीं किया अपने फैंस के साथ। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग इट एंड वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज हम वन टू वन मिलने वाले अपने फैंस से। तो हम देखने वाले कि हमसे लाइक कितना रियल में कितना लाइक प्यार मिलता है। और वी आर रियली एक्साइटेड कि हम साथ में वीडियोज बनाए हैं वगैरह वगैरह, फोटोज क्लिक करें। फैंस की यही प्यार की लालची होती है जो हमें, क्या कहते हैं, इतना हम मेहनत करते हैं। हम आपको पता नहीं हम कितनी, हमारे पैर इतने दर्द दे रहे हैं, हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की आपको एंटरटेन करने के लिए। तो इट्स गोना बी वेरी मच फन, तो आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे पासेस लेना। और आप तीनों तो वैसे भी एक से एक वीडियोस बनाते रहते हो, और फैंस के लिए जैसे कि अभी बताया कि काफ़ी कुछ रिहर्स हो रहा है, परफॉर्मेंस एक से एक निकलने वाले हैं, कुछ खुलासा होगा क्या? हमारे कॉन्सेप्ट भी है, कॉमेडी भी है, डांस भी है, बाकी तो आपको फिर देखना पड़ेगा। जो एक हिट फिल्म में होना चाहिए, मसाला फिल्म में सब है वो। और आजकल तो छाए हुए, मतलब फिल्म स्टार्स भी टीम तिगाड़ा के बिना उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे। हम खुश किस्मत ही मानते हैं इसको अपनी। हम बस रहम है और कर्म हमारे अच्छे माँ बाप के, कि इस ये हमें ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी फिल्म वाले हमें पर्सनली बुलाते हैं कि ये इनकी टीम चाहिए कि हमें प्रमोट करें। तो बस प्यार और कर्म है और ऑडियंस का प्यार है। और आप तीनों से पूछना चाहूँगा, फैंस क्योंकि आप लोग की इतनी तादाद में फैंस रहते हैं और बहुत सारी ना यादगार चीज़ें होती हैं, क्यूट कई फैंस मिल जाते हैं, कुछ ऐसा याद आ रहा है जो कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी बताना चाहें? अभी वो जो हम खाना खाते उठ के गए थे, तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम खाना खा रहे थे किसी होटल में और बाहर बहुत सारे फैंस आ गए थे, तो उनको आने नहीं दे रहे थे, बाहर अंदर आने नहीं दे रहे थे हमारे फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि होटल होटल जा चुके थे, पता नहीं या फिर नहीं वो फैंस थे और होटल वाले चाहते थे कि हम प्राइवेसी में खाएं खाना। वो होटल वाले हमें जानते हैं, हम अक्सर वहाँ जाते रहते हैं, तो वो लोग आने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा, काफ़ी देर तक देखा, फिर हम दोनों ने नोटिस किया तो हम लोगों ने बोला कि हम खाना छोड़ के हम लोग गए बाहर। और ना हमें बहुत बड़ी चीज़ वो लगी नहीं उस समय, हमें ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब लाइक हम गए फोटो देने के लिए। बट बाद में जब इनको मैसेज आया, हाँ मेरे को एक DM आया कि हमें ये आपका जेस्चर बहुत स्वीट लगा, आप अपना खाना छोड़ के गए, तो मुझे लगा अच्छा ये कुछ बड़ा बात था क्या, चलो थैंक यू। तो ये ऑल्सो अभी रिसेंटली मैं कहीं जा रहा था तो एक 3 साल की बच्ची थी यार, वो भाविन करके चिल्लाया उसने, उसकी मम्मी कहती है कि ये आपका वीडियो देखे बिना खाना नहीं खाती है। एक इंसिडेंस था जब मैं आ रहा था, 3 या 4 साल का लड़का था, उससे जोर से विशाल पांडे, मतलब हाँ हाँ मैं ही हूँ, मतलब हाय हाय हाय। और आई गेस मोर इम्पोर्टेंटली आई गेस ये हमारा कोई जेस्चर नहीं, आगे से हमारा फ़र्ज़ बनता हमारे फैंस के तरफ कि हम उनसे जाके इंटरेक्ट करें, बिकॉज वो नहीं, उन्होंने हमको बनाया। या बिल्कुल फैंस नहीं तो हम क्या है, कुछ नहीं है। अभी रांझण भाई तो इतना लोगों के जबान पर चढ़ गया, दिल को छुआ उसने, कुछ और नया क्या आ रहा है? जो दिल को छुआ है रांझण भाई तो बहुत अच्छा चला, लेकिन जो कुछ ज्यादा ही चल गया उसका नाम है रुला के गया आयश। रुला के गया आयश रांझण भाई पे आए थे ना लॉन्च पे, उनको वही अटके हुए हैं, रुला के गया पे गए थे। तो हाँ रांझण भाई तो खैर हमारा दिल के करीब बहुत वीडियो है, लेकिन रुला के गया आयश फैंस ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। 55 मिलियन हो गए अभी, 1.5 महीना हुआ है, तो वी आर होपिंग कि वो 200-300 मिलियन पार करे और हमारे करियर का सबसे हिट गाना हो। सरप्राइज कमिंग रियल सून, बहुत जल्द सरप्राइज आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है फैंस ने, तो सरप्राइज आ रहा है। नहीं सरप्राइज सरप्राइज होता है तो फिर बच्चे ऐसा हो जाएगा अभी कुछ दिनों में जब हमारी स्टोरीज देख लोगे आप।
अच्छा फिल्म्स, रियलिटी शोज, सॉन्ग्स, हर चीज आ रही है मतलब बैक टू बैक, और एक अभी सरप्राइज जैसे कि आपने एलिमेंट बताया, और कुछ क्या मतलब ये जो सरप्राइज एलिमेंट आपने तो थोड़ा सा बता ही दिया लेकिन पूरी तरीके से अभी बताया नहीं है, तो फैंस तो एक्साइटेड, हम तो कह रहे हैं स्टे ट्यून्ड रहो, थोड़ा थोड़ा पता चलता रहेगा। थोड़ा सा खुलासा तो आपके साथ कर ही दिया है, बाकी और चीजें बहुत सरप्राइज मिलेगा। अभी तो फैंस से फिलहाल हम लोग बहुत मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एपिक फैम जे अभी FJ के बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा, नाचना गाना सुबह से लगे पड़े, बट अभी उसके बाद हाँ फिर एक उसके बाद सरप्राइज है, बाकी हमारी फ्राइडे को यूट्यूब वीडियो तो आती है। और इतने इतना क्योंकि वक्त आप लोग रिहर्सल्स और बाकी क्रिएटिव वीडियोस और ये सब पे दे रहे हैं, टीवी थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, उसके बारे में पूछना आपको बिग बॉस के बारे में, हाँ तो बताओ ना वो क्या पूछना है। ये फॉलो करता है बिग बॉस? फॉलो नहीं करता मैं, मेरे को अच्छा लगता है बिग बॉस, बट इस टाइम मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मेरे घर पे मेरी बहन है और मेरी कजिन है, वो अपडेट्स है, तो मेरे को अपडेट्स उनसे लेता रहता हूँ मैं क्या चल रहा है, तो कभी कभार ट्रैवलिंग में देख लेता हूँ मैं। तेनाली रामा किया था अभी, वो मेरा ही शो नहीं देख पाया मैं, मतलब ऐसा है कि इतना टाइम नहीं है। हाँ मैम, मैं देखे लोग तारीफ हो रही है मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तक कमेंट्स आ रहे हैं हमारे, टिकटॉक पे आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी देखूंगा ऑनलाइन। तो जो कजन से और बाकी लोग से पता चला उसके बारे में क्या आपको क्या लग रहा है इस बार के सीजन में, क्योंकि हर जगह इतना हल्ला मचा हुआ है? आई नो द टॉप फोर मेरे हिसाब से जो है सिद्धार्थ, रश्मि, सना एंड आसिम, शहनाज गिल। मैं बिग बॉस सॉरी फॉलो नहीं करती, टिकटॉक पे काफी वीडियोस ना के ट्रेंड हो रहे हैं काफी, मैंने किए हैं लिपसिंग भी किए हैं उनके साउंड, बट मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती। ऐसे लोग होते जिनको बिग बॉस बुला देता है, तुम फॉलो नहीं करती, तुम आओ बिग बॉस में, और हम मेरे जैसे लोगों को बुलाता नहीं। मैं लास्ट ईयर तक खूब फॉलो करता था। अच्छा इसलिए तुमने अब छोड़ दिया इसलिए फॉलो करना? नहीं अब तो टाइम ही नहीं है, इतनी पॉपुलैरिटी है, कहीं आप तीनों को अगर अगले सीजन में बुला, अरे हम तीन चले गए ना, तो बस ये किसी ना किसी को तोड़ेंगे। नहीं मजा आएगा, लाइक हम रियल एंटरटेनमेंट आई गेस हो सकता है तभी। एट लास्ट अपने फैन से क्या बोलना चाहेंगे जो अभी इतना इंडिया के सबसे बड़े फैन फेस्ट में आपको मिलने आने वाले हैं? बहुत प्यार करते हो हमसे, तो यही प्यार लेके आना, तो और बहुत सारे एक्साइटमेंट और बहुत सारी खुशी लेके आओ, क्योंकि आई होप हम लोग उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको खुश कर पाए, तो प्लीज़ एक अच्छे दिल से और बहुत अच्छे मन से आना, हमसे मिलो, बातचीत करो, मेक श्योर आपको बहुत एंटरटेन करें हम। हम बहुत आप एंटरटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तीनों के पैर दुख रहे हैं, मतलब देखो शूज वूज पहन कर आए हैं, मैं अभी यहाँ से डांस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। No. I don't do collaborations. मैं नहीं करती। Yes. तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आइएगा हमसे मिलने के लिए। And तीन तिगाड़ा loves you. Thank you so much guys.